हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में रखा बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज जो मैं लेके आया हूँ रेडमी नोट 4 का चार्जिंग और हेडफोन मूड सॉल्यूशन। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं, चार्जर इसमें लगा दिया है, देखिए चार्ज नहीं हो रहा है। इसका चार्जर का थोड़ा प्रॉब्लम है, कभी कभी पकड़ रहा है कभी कभी नहीं पकड़ रहा है। चलिए इसको खोल के अभी देख लेते हैं क्या मजरा है। तो जल्दी से जल्दी मैं सेट को खोल लेता हूँ। तो इसको थोड़ा जो नेल से थोड़ा प्रेशर करने से आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से सेट खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हड़बड़ी करने का नहीं है। देखिए सेट मैंने खोल दिया है, अब इसको जल्दी से जल्दी नट वगैरह खोल लेता हूँ, उसके बाद इसका बोर्ड को निकालेंगे हम, उसके बाद उसको देखेंगे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने तो खोल दिया, अभी बैटरी कनेक्टर को खोल लेंगे, नहीं तो शॉर्ट वगैरह हो सकता है। अभी बोर्ड का जो कनेक्टर है भी खोल लेते हैं। चलिए अब थोड़ा बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं आहिस्ता से। तो चलिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा प्रेशर करने से बोर्ड बाहर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर बार करने का बात नहीं है। चलिए बोर्ड को निकाल दिया, तो अभी देखते हैं बोर्ड को क्या वाटर डैमेज है कि दूसरा कुछ है। तो देखिए इसमें वाटर डैमेज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ मैला है। देखिए ये शायद धूल मिट्टी और कुछ गया है इसके अंदर, तो कनेक्टर तो ख़राब हो गया, इसको सफाई करने से भी नहीं होगा, तो इसको हम चेंज करेंगे। उससे पहले इसका जो पिन वगैरह है ड्राई दिख रहा है, तो उसको हम आयरन के मदद से थोड़ा उठा लेंगे, मतलब बिगल देंगे वो रंग वगैरह को, क्योंकि ब्लोअर से उठाने में आसानी होगा। तो इसका जो चारों कनेक्टर का जो रंग है वो थोड़ा हम सोल्डर कर देते, क्योंकि जब कनेक्टर हम उठाएंगे तो जल्दी से उठ जाएगा, क्योंकि कभी कभी शोल्डर ड्राई होने से उतना अच्छा तरीके से उठता नहीं है। तो ये बोर्ड बहुत नाजुक होता है, ज़्यादा हीट लगने से इसका माइक वगैरह ख़राब हो सकता है। तो इसमें तो वो 4 या 5 पिन का माइक लगा हुआ होगा, तो इसीलिए इसको पहले मैंने शोल्डर कर लिया, उसके बाद पेस्ट लगा रहा हूँ, उसके बाद आसानी से कनेक्टर ऊपर आ जाएगा। तो चलिए बोर्ड को मैं फिट कर देता हूँ, इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया। तो अभी देखिए कितना जल्दी ये बोर्ड से कनेक्टर निकल जाएगा, उसके बाद इसको सेम कनेक्टर ही लगाएंगे। लगाने के बाद पता नहीं चलेगा कि इसको लगाया है, देख के पता चलेगा कि कंपनी का ही है। चलिए सेम कनेक्टर हम लगाएंगे जो रेडमी नोट 4 का है। तो इसको थोड़ा आयरन से सफ़ा कर लेते, क्योंकि कनेक्टर का जो 4 लेग होता है उसमें शोल्डर वगैरह है, उसको हम क्लीन कर देंगे, चारों होल सफाई होना चाहिए, तो उसमें कनेक्टर अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अगर चारों होल सफाई नहीं होगा तो उसको बैठाने में तकलीफ होगा। तो हमने जो शोल्डर है वो तो उठा दिया, अभी थोड़ा ब्रश से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सफाई हो गया, अभी इसमें कनेक्टर अच्छी तरह से बैठेगा और इसका जो पिन है वो भी एक भी उखाड़ा नहीं, तो इसमें नया जैसा ही लगेगा कनेक्टर बैठाने के बाद। देखिए कितने अच्छी तरीके से बैठ गया। तो अभी इसको थोड़ा पेस्ट लगा के हम शोल्डर करेंगे, उसके बाद चलिए एक एक करके शोल्डर कर लेते। थोड़ा पेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो शोल्डर है वो
अच्छी तरीके से बोर्ड में लगेगा नहीं और देखने में भी अच्छा नहीं होगा और लूज़ वगैरह होगा तो चार्जिंग करने के टाइम पे वो उखड़ सकता है, तो इसीलिए पेस्ट थोड़ा लगाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा पेस्ट है, इसको जो यूज़ करते उस उन लोगों को पता है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इसको मोबाइल से लेके दूसरा भी प्रोडक्ट में हम यूज़ करते हैं, हम सभी प्रोडक्ट में यही वाला पेस्ट यूज़ करते हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला बहुत अच्छा है, कम दाम में भी मिल जाता है। इसका मार्केट जो प्राइस है वो लगभग 9 से 9.5 रुपया पड़ता है। तो चलिए अभी इसको तो सोल्डर कर दिया, और जो 5 पिन एक साथ कनेक्ट हो गया, कुछ वायर से इसको डिसोल्डर वायर से हम उठा लेते तो इसमें सफ़ा हो जाएगा, 5 पिन अलग अलग हो जाएगा और सोल्डर भी अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। तो चलिए सफाई करने के बाद हम दिखा देते इसको कितना बढ़िया तरीके से कनेक्टर लग गया है। देखिए दोस्तों, आपको पता नहीं चलेगा ये कितना अच्छा तरीके से लग गया है। देखिए कंपनी जैसा ही लग रहा है, पहले जैसा जो पहले लगा हुआ था ऐसा ही देखिए बढ़िया तरीके से लग गया। तो इसको हर बार करने का नहीं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं होगा और सेम टू सेम होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी इसको हम बोर्ड में फिट करेंगे, फिट करने के बाद देखेंगे इसको टेस्ट करके, और दूसरा प्रॉब्लम भी है इसका वो भी देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, और भी 2 प्रॉब्लम है। तो इसको पहले फिट कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो इसको बोर्ड में ठीक तरह से बैठाना होगा आहिस्ता से, और इसका जो कनेक्टर मैंने लगा दिया है, अभी कनेक्टर को देख के लगाना चाहिए, नहीं तो पिन बर्बाद हो सकता है। अभी जो नेटवर्क का जो एंटीना का तार है वो भी लगा देते हैं हम। चलिए लग गया है, अभी इसका जो कवर है उसको भी हम सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद इसका नाट भी कसना पड़ेगा, चलिए जल्दी से इसका नाट कस देते। तो ये वाला काम तो हो गया दोस्तों, अभी दूसरा देखेंगे, चार्जर लगा के देखते इसको चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद पता चलेगा। तो देखिए इसमें चार्ज नहीं आ रहा है, ये कस्टमर का, देखिए कस्टमर का जो चार्जर है पिन थोड़ा टेढ़ा है, इसीलिए इसका कनेक्टर ख़राब हो गया। तो मैं दूसरा चार्जर लगाता हूँ मेरा वाला, तो इसमें देखते देखिए आ गया MI लिखा हुआ आ गया। तो देखते अभी चार्ज होता है कि नहीं होता है। चलिए दोस्तों चार्ज तो हो रहा है, अभी इसको देखेंगे दूसरा। देखिए ये वाला फॉल्ट है, इसका जो वॉल्यूम बटन है ये दबा दबा के उसको फोल्ड कर दिया, इसके लिए इसका जो वॉल्यूम आप बटन है उसको काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम उठा के, ये पत्ता अभी भी सही है, इसको उठा के हम सीधा कर देंगे करके इसमें बैठा देंगे तो ये सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं हुआ तो नया लगा देंगे इसमें। तो इसको थोड़ा निकाल लेते हैं, देखिए कितना टेढ़ा हो गया। तो इसको हम ट्वीजर के मदद से इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाद इसको बैठा देंगे तो उसमें काम नहीं करेगा, तो हम दूसरा कोई बोर्ड से उठा के हम लगा देंगे। देखिए सीधा हो गया ये पूरा, तो अभी इसको हम बैठा देंगे इधर, और बैठाने के बाद थोड़ा जो है डबल टेप भी चिपका देंगे, क्योंकि इसका जो ग्लू था वो उठ गया है, तो अभी थोड़ा डबल टेप इसमें चिपका देते हैं, वो पकड़ के रखेगा, फिर ढक्कन लगाने के बाद सही तरीके से काम करेगा।
तो इसको हम जल्दी से जल्दी नट को खोल लेते हैं। अभी वो तीसरा प्रॉब्लम है इसका जो है हेडफोन का, हेडफोन का जो सिंबल है वो बहुत देर तक रहता है, कभी कभी जाता नहीं है, कभी कभी जाता है, तो इसमें भी गंदा, बहुत गंदा है। इसको इसका अंदर कुछ निकला था दोस्तों, तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा आईओएसओ प्रोफाइल से इसके अंदर सफाई कर देंगे। तो करने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है लगता है हमको ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या करना पड़ेगा। तो इसको अंदर थोड़ा सुई से हम देख लेते कुछ है कि नहीं है, थोड़ा बहुत मैला है हमको लग रहा है, तो ठीक है वो सफाई करने से निकल जाएगा। अभी लगता है सही से काम करेगा, तो वो थोड़ा मैला घुस गया उसके अंदर, हेडफोन कनेक्ट किया इसीलिए उसका मैला का जो पेसार है उससे वो हेडफोन मोड का सिंबल उठ रहा था, तो वो जा नहीं रहा था। अभी सफाई कर दिया, अभी हेडफोन का जो जैक है हम डाल के देखेंगे ये काम करता है कि नहीं करता है। चलिए सिंबल तो आ गया, लेकिन अब हटेगा कि नहीं हटेगा और एक बार लगा के देखेंगे, ऑन करके देखते हैं इसको। लाइट चला गया, देखिए आके चला गया एक बार, फिर से देखेंगे डाल के, देखिए अभी है। अभी निकाल के देखते तुरंत जाता है कि नहीं जाता है, जा रहा है लेकिन थोड़ा देर लग रहा है, वो ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं दो चार बार लगाने से। और इसका चार्जिंग भी देखिए बढ़िया तरीके से आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए हो रहा है, कोई भी लूज नहीं हो रहा है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो नहीं कीजिए, तो मेरा वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके भी मेरा और सब वीडियो है वो देख सकते हो, और मेरे वीडियो के ऊपर जो आई बटन है उसमें भी क्लिक करके मेरा और भी वीडियो है वो देख सकते हो। और मेरा जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, मेरा दूसरा वीडियो जो भी रहता है उसका भी वो भी देख सकते हो। तो इसको हम वॉल्यूम बटन आप चेक करके देखेंगे, इसको सेट कर दिया तो देखने के बाद पता चलेगा काम करता है कि नहीं करता। देखिए दोस्तों बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो मेरा वीडियो इतना ही था, छोटा छोटा सा। तो दोस्तों ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।